पन्ना जिले के पवई विधानसभा में सड़क किनारे मछली पकड़ना युवक को उस समय महंगा पड़ गया जब अचानक सामने से आ रही तेज रफ्तार ओमनी गाड़ी की चपेट में आ गया और बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके उपचार के लिए दमोह लाया गया लेकिन युवक को नहीं बचा जा सका और युवक की मौके पर मौत हो गई। जिसके घर परिवार वालों में काफी आक्रोश देखा गया और चौकी हरदुआ का घेराव किया गया। घर वालों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि मेरी रिपोर्ट पुलिस चौकी द्वारा नहीं लिखी गई। जब पुलिस चौकी हरदुआ का घेराव किया गया तो चौकी प्रभारी ने जिला मुख्यालय से मदद मांगी। तब कहीं जाकर सिमरिया, सुनवानी, पवाई, मोहिंद्रा पुलिस बल मौके पर पहुंचा और भीड़ पर नियंत्रण पाया, जबकि भीड़ में कुछ ओमनी चालक कमलेश लोधी के साथ हाथापाई भी की थी, जिसको लेकर किसी तरह भीड़ ने प्रधान आरक्षक प्रेमलाल शर्मा ने बचाया। पन्ना से चरणजीत सिंह बंजारा की रिपोर्ट। सुखपाल चौधरी गुरखई गोविंदपुरा के रात में 2 बजे कहीं मछली पकड़ने गए होंगे, तो वहाँ पर ये लोग जो है वो किसी उस पर त्रिपाल वगैरह बिछा के रोड पे लेटे थे। उसी समय गाड़ी निकली, कौन सी ओमनी जी, ओमनी गाड़ी MP 2076 गाड़ी निकली, जो कि रैया सांटा के कमलेश लोधी की थी। वो निकली और उसमें वो कुचल गए और वो सीधे दमोह ले गए इलाज के लिए। दमोह में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वापसी में वो आए, उन्होंने यहाँ चौकी पे रिपोर्ट की और यहाँ लाश रख दी और भीड़ बना करके कि साहब हमारा जी मुकदमा कायम हो, तो मुकदमा तो कायम हो नहीं था उसमें। तो चौकी में जब तोड़फोड़ हुई है उसकी? नहीं, चौकी में तोड़फोड़ हुई है तो उनके खिलाफ, जिन्होंने तोड़फोड़ की है उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हो रही है। और कमलेश जिनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उनके खिलाफ भी धारा 304A और 279 का मुकदमा उनके खिलाफ भी लिखा गया है। और इन लोगों ने कमलेश की भी मारपीट की है चौकी में घुस के, और गोविंद की उसमें भी कार्रवाई, उनकी FIR हो गई है, चल रही है कार्रवाई, चल रही है। बताना ये चाहता हूँ कि कमलेश जो भी चालक था, हाँ, उसी ने गाड़ी चलाई। घटना कहाँ की है? ये चंद्राल से मजगुआ के बीच की है। कितने समय की घटना है? 12 बजे। ये 12 बजे, 1 बजे के बीच की है। रात्रि में कि दिन? रात्रि में। वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे? हाँ। तो आपका आरोप क्या है? हम लोग मछली मारने गए थे, हम लोग रोड की साइड में बगल में बैठे थे, कुछ लोग खड़े थे, तो इनकी इतनी हाई स्पीड में गाड़ी आई कि कंट्रोल नहीं कर सके। वो मैंने आवाज़ भी लगाई, सब मैं खड़ा था वहीं पुलिया पर, तो मैंने आवाज़ लगाई कि भागो भाई भागो, नहीं तो मार डालेगा गाड़ी वाला। तो कुछ लोग भाग लिए और ये भी भागा, पता नहीं कैसे चपेट में आ गए। आपने जो गाड़ी चालक था, हाँ, गाड़ी थी उसको आपने पहचान लिया? हाँ, पहचाना है, कमलेश लोधी हमारी पंचायत का है, हम बचपन से जानते हैं। आज आपने बॉडी रख करके सड़क पर, आम सड़क पर, कारण क्या था? पुलिस वाले FIR मान लो रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे, सिमरिया में और हरदुआ चौकी में भी नहीं लिख रहे थे। और कमलेश लोधी ये भी कह रहा था, तुम क्या कर लो, एक चमार जाती कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसी घटना घटी बहू क्या कर लेने, आप तुरंत ले गए थे? हाँ, ले बाल बच्चन थी, बाल बच्चन थी, अस्पताल यही। फिर इसके बाद कम हुए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।